कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल हो जाने के बाद एक्यूज को मजिस्ट्रेट की तरफ से डायरेक्शन दी जाती है कि उसको पुलिस स्टेशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है, लेकिन आम इंसान को ये पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना कैसे है। वो पुलिस स्टेशन में या तो आईओ को फोन करता है या एसएचओ को फोन करता है, लेकिन कई बार आईओ जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करवाता और परेशान करने के मकसद से वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट के अंदर कि उसने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया और इसकी बेल को कैंसिल किया जाए। इसलिए अगर कोई भी आईओ आपके साथ इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट करता है, तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पर उसको एक मैसेज करना है कि सर मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आप बताइए। तो उसके बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास जाकर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट वहां पर जाकर आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और आपको ये बताना है कि आपके जो आईओ है वो आपको इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने में जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। तो अगर ये एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगा देंगे तो कम से कम मजिस्ट्रेट की नज़र में ये चीज़ रहेगी कि किस तरह से आपका आईओ ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ना करा करके आपको परेशान किया है। और ऐसी लीगली जानकारी पाने के लिए अपने सोनू एलएलबी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।